पॉपुलर फ्रंट आज से 3 दिवसीय जनसंपर्क अभियान का आगाज कर चुका है। इस अभियान का मकसद अवाम को ये बताना कि क्यों पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया जा रहा है, और ये बताना कि निशाना केवल पॉपुलर फ्रंट नहीं है, निशाना हर वो कोई है जो संघ परिवार के फैसिस्ट एजेंडे के खिलाफ है, जो सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे फिर वो एक संगठन हो या कोई इंडिविजुअल हो। हम लोग देख रहे हैं सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए, अपने विरोधियों की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए बेशर्मी से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पिछले दिनों ईडी का इस्तेमाल किया गया और हमारे ऑफिसों पर छापेमारी की गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश का एक बड़ा सामाजिक संगठन है जो हमेशा सामाजिक खिदमात में सबसे आगे रहा है। सामाजिक खिदमात के मैदान में बड़े बड़े आयाम कायम किए हैं। ऐसे एक संगठन को निशाना बनाना ये साफ तौर से इशारा करता है कि आने वाले वक्त में संघ परिवार के अलावा सबको निशाना बनाया जाएगा। जो भी संघ परिवार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, संघ परिवार के एजेंडे के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इन फैसिस्ट ताकतों के खिलाफ एकजुट हो। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अवाम के बीच में रहकर लगातार काम कर रहा है, इसलिए ये लोग चाहते हैं इनके बारे में झूठे इल्ज़ाम लगाकर, बदनाम कर, झूठे झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर अवाम के दिलों में इनके खिलाफ नफरत पैदा की जाए, अवाम के दिलों में डर पैदा किया जाए, अवाम को इनसे दूर किया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इनकी साजिश के खिलाफ एकजुट हो और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिमायत केवल एक संगठन की हिमायत नहीं होगी बल्कि सच और इंसाफ की हिमायत होगी। इसलिए मैं प्रदेश की अवाम से अपील करता हूँ कि इस जनसंपर्क अभियान के दौरान आप हमारे मेंबर्स और कैडर्स के साथ ताउन करें, और ख़ास तौर से मैं अपील करता हूँ अजमेर शरीफ की अवाम से। हम लोग देख रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह के वाफस्तगान सूफी बरादरी हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई में सबसे आगे रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सूफी इस्लामिक बोर्ड के नाम पर कुछ फर्जी सूफी लोग संघ परिवार के हाथों का इशारा बने हुए हैं, उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और इनके इशारों पर काम कर रहे हैं। जब देश में CNRC का आंदोलन चल रहा था, देश की अवाम बड़ी परेशानी में थी, जब दरगाह में ब्लास्ट हुआ था तब कहाँ थी ये सूफी इस्लामिक बोर्ड? उस वक्त अगर दरगाह से कोई हक और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद कर रहा था तो वो सैयद सरवर चिश्ती की आवाज़ थी, लेकिन आज ये फर्जी सूफी सरवर चिश्ती को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसे लोगों को पहचानें और लोगों को इनसे जागरूक करें। आने वाले वक्त में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और भी साजिशें आने की गुंजाइश है। ऐसे वक्त में हम प्रदेश की अवाम से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ खड़ी हों। आखिर में हम संघ परिवार को चेताना चाहते हैं कि इनकी कोई भी डराने की नीति कामयाब नहीं होगी। हम इनके किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। हमें जितना दबाया जाएगा हम लोग हमारी आवाज़ को उतने ही ज़ोर से उठाएंगे। हमें जितना ही अवाम से दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी हम उतना ही अवाम के करीब जाएंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर तमाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स से और कैडर्स से गुजारिश करता हूँ कि आप इस 3 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर अवाम से संपर्क करना है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों को पॉपुलर फ्रंट के बारे में बताना है और इस संघर्ष में साथ खड़े होने के लिए उनके समर्थन, उनकी हिमायत की अपील करना है। इंशाअल्लाह हम लोग पहले भी हक और इंसाफ की लड़ाई में आगे आगे थे,
हम आगे भी इस लड़ाई में सफ़े अव्वल में रहेंगे। दुश्मन की कोई धमकी, दुश्मन का कोई डर, दुश्मन का कोई खौफ हमें इस रास्ते से नहीं हटा सकता। फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर पर ईडी का जो रेड हुआ है मुल्क के कई मकामात पर, और कोई ऐसी ईडी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोई ऐसी काबिले गिरफ्त समझे के बात नहीं आई, और कोई ऐसा ब्लैक मनी या फिर बाहर की दौलत रखी हुई है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इत्तलात ये है कि जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो प्रिंटिंग मटेरियल ईडी के जिम्मेदारों ने बहरहाल समझिए कि लेकर गए हैं, और ताहाल कोई इत्तला इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है कि क्या चार्जेस और किस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये रेड किए गए हैं। दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये नहीं चाहती कि मुसलमानों की कोई मौसर आवास मुल्क में उठे और बेलाग और बेखौफ होकर मिल्लत के लिए कोई बात करे। मुसलसल पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया जाता रहा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकारीर में भी इसका जिक्र किया है। जबकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इंसानियत की खिदमत, मुल्क में भाईचारगी का माहौल, अमन और सलामती के साथ जो इस्लामी तालीमात है, इस्लाम की बुनियादी तालीमात ये है कि चाहे मजलूम कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, हत्ता के ब्राह्मण भी, तो भी मुसलमान समझिए उस मजलूम की मदद करे। और उसी बुनियाद पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समझिए कि समाजी और मिल्ली काम कर रही है मजहबी बुनियादों पर। यकीनन हमारे लिए इस्लाम सबसे अहम और समझिए कि बुनियाद है, इस्लाम के बगैर हमारी जिद्दोजहद भी बेकार है। तो ईमान के साथ इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अगर जिद्दोजहद की जा रही है तो आरएसएस और भाजपा को बहुत बुरा लग रहा है, जो काबिले मजम्मत है। और इस पर बहरहाल समझिए कि बगैर जमाती असबियतों और तासुब के तमाम समझिए कि जमातों को, वो जमातें जो दिल्ली में बैठी हुई हैं, जो बरसा बरस से बहरहाल मुसलमानों की खिदमत का टैग उन पर लगा हुआ है, उन जमातों को भी फ्रंट लाइन पर आकर समझिए कि पॉपुलर फ्रंट के ऊपर जो बहरहाल हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर उसको दबाने और कमज़ोर करने की नाकाम जो कोशिशें कर रही हैं उस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान पॉपुलर फ्रंट के साथ ठहरी हुई है, उसकी जिद्दोजहद के साथ खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह हमारी ताईद पॉपुलर फ्रंट के साथ रहेगी।